ऐसे लोगों को जो इंडस्ट्री से जुड़े होते हैं मदद करनी चाहिए? जब मेरे पास पैसे नहीं थे, जब मैं स्ट्रगल करता था, तो मेरी बेटी पैदा हुई थी और उस 5,000 रुपये निकाल अस्पताल में देने थे, मेरे पास वो नहीं थे पैसे। तो मैंने, मुझे याद है, मैंने मेरे एक मैनेजर हुआ करते थे जॉनी जी, मैंने उनसे किसी से इंटरेस्ट पे मंगवाया ब्याज पर, और मैंने अपनी बेटी को अस्पताल से बाहर लाया बिकॉज मेरे पास पैसे नहीं थे। और मैं ना किसी ने, या मैंने शायद पूछा भी नहीं, या किसी ने मदद भी नहीं की। और उस वक्त मेरा खेत भी गिरवी था, तब भी मेरे पास पैसे नहीं थे। तो मैं भगवान से ये मनाया कि कभी ईश्वर, यू नो, जब भगवान मेरे पास पैसे आएंगे तो मैं कोशिश करूँगा कि मेरी औकात जितनी, मेरी कुव्वत में जितना होगा, मैं कोशिश करूँगा बहुत लोगों की मदद करूँ। और मैं इसलिए दिन रात काम करता हूँ, इसलिए मैंने 500 फिल्म कर लिया। लोग मुझे बोलते तुम कितना काम करते हो, क्योंकि मुझे बहुत लोगों को देखना होता है, बहुत सारे परिवार मुझसे जुड़े हैं जो मैं कभी बताता नहीं, क्योंकि ये सब चीज़ें बताई नहीं जाती, दान पुण्य को कभी बताया नहीं जाता। सो या मेरी मदद किसी ने नहीं की, इसीलिए अब पूजा के साथ हमने काम किया। और ऐसे न जाने कितने टेक्नीशियंस और हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे लोग हैं जिनके लिए हमने हमेशा छिप के मदद की है, और ये करना चाहिए। बिकॉज इंग्लिश में कहावत है, पे बैक टाइम। आप कमाते हो तो उसमें कोशिश करो कि देने के, अगर लायक ईश्वर ने बनाया थोड़ा बहुत, उसमें कोई पाप नहीं है, उसमें कोई शर्म नहीं है। या तो आप बचा के क्या करोगे, मरते हो तो हाथ खाली रहता है। लोग, मैंने तो ऐसे भी देखा कि लाश के साथ फैमिली तेल लगा के, घी लगा के अंगूठी भी निकाल लेती है कि कहाँ पर ये अंगूठी लेके जा रहा है बॉडी। सो जब कुछ रहता ही नहीं है तो इतना सब नोच नोच के, इतना सब जमा करके क्या फ़ायदा। हमारे को किसी ने मदद नहीं की थी लाइफ में, हम बहुत गरीबी से ऊपर आए हैं, तो कोशिश करते हैं कि हमारे से जितना हो सके। बस मेरा यही उद्देश्य रहता है। अभी मीडिया में आ गया, छा गया, तो पहली बार हम बोल रहे, नहीं तो ये कई सालों से मेरा ये काम चल रहा है। और ये भी जाना चाहूँगा